क्या आपने वो मुहावरा सुना कि माई डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टार्ट किलिंग पीपल? वेल, नॉट इन दिस एग्जैक्ट वर्ड्स, ही सेड आई हैड टू रिड्यूस द स्ट्रेस इन माई लाइफ. तो इट्स द सेम थिंग. नहीं नहीं, मैं आज आपके साथ कोई मुहावरा वाला सीज़न नहीं करने वाली हूँ. मैं बस एक मूवी का रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम है रात अकेली है, जिसको देख के मुझे ये लगा तो मैंने बस ये कह दिया. जी हाँ, मैं वही रात अकेली है मूवी के बारे में बात कर रही हूँ जो कल ही आई है नेटफ्लिक्स में, और मैंने देखी उसको रात में ही. तो मुझे कैसा लगा ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्लिक्शनरी. मैं स्निग्धा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल. मैं कल रात बैठ के आपके लिए 5 अपकमिंग वेब सीरीज़ का वीडियो बना रही थी, तो ये अपलोड करने में मुझे लेट हो गई. चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं. इस मूवी को डायरेक्ट किए हनी त्रेहान ने. RSVB मूवीज़ प्रोडक्शन हाउस की मूवी है ये. मूवी का जो प्लॉट है वो एक रोड एक्सीडेंट से स्टार्ट होती है, और वो रोड एक्सीडेंट में दिखाया जाता है कि एक औरत और उसके ड्राइवर को एक्सीडेंट होती है एक ट्रक के साथ, और जो ट्रक ड्राइवर होता है वो दोनों को निकल के फिर जो बचे कुचे जो भी उनका जान होता है उसको ख़त्म कर देते हैं. फिर दिखाया जाता है पॉलिटिशियन जिसका खून हो गया है उसके शादी के दिन, जो कि अपने बुढ़ापे पे जाके फिर अपनी पोती के एज के एक लड़की के साथ शादी करे दोबारा अपने फर्स्ट वाइफ के 5 साल के मौत के बाद. राधा नाम की एक लड़की से जिसका एक्टिंग की है राधिका आप्टे ने, और उसे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जटिल यादव जिसका एक्टिंग की है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जो इस लड़की को 5 साल पहले से ही जानते हैं, क्योंकि 5 साल पहले से ही उसके मतलब एक प्रॉब्लम हुआ था उसके पापा के साथ जिसके द्वारा उन दोनों का मुलाकात हो गया था ट्रेन पर. और कहीं ना कहीं जटिल यादव अपने मन ही मन में उस लड़की को बसा चुके थे अपने पत्नी के रूप में. और इनकी मम्मी जो है, मतलब जटिल यादव की जो मम्मी है, वो चाहती है कि कैसे भी करके उसके बेटे का शादी हो जाए कोई भी लड़की के साथ. तो ये है इस मूवी का स्टोरी लाइन या फिर लव लाइन जो दिखाया गया है इस मूवी में. ये मूवी देखते देखते आपको पूरा एंड तक पता नहीं चलेगा कि खून किस लिए हुआ है और कौन किया है. जिसको आप जिसके ऊपर आपको शक बिल्कुल नहीं जाएगा वही है खूनी. तो मुझे लगता है कि ये मूवी जो बनाए हैं एंड तक बहुत अच्छी बनाई है, और मुझे अच्छा लगा. बहुत दिन बाद एक थ्रिलर मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा. सबका नेचुरल एक्टिंग है इस पर. शिवानी रघुवंशी, तिमांशु धुलिया, श्वेता त्रिपाठी, सबका अच्छा एक्टिंग है. इवन इफ आपको पद्मावती राव एंड इला अरुण, जबकि इला अरुण का जो रोल है बहुत ही कम है, लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है. जिन लोगों ने ये वाली मूवी देख ली है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं. और जो लोग मेरे चैनल को नया देख रहे हैं तो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को देख सके. और जो मैंने अभी नया अपलोड किया है कि 5 अपकमिंग वेब सीरीज़ जो आने वाली है अभी हाल फिलहाल, वो भी आप लोग ज़रूर देखें. अगर मैंने आपको ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया है जो आपके काम आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बी सेफ, बी एट होम एंड टेक केयर. बाय बाय.